हेलो जी अभय सर नमस्ते। नमस्ते भैया। लाइव यूपी न्यूज 24 से बोल रहा हूँ। जी जी बताइए। जी तो वही मैं सर जानना चाह रहा था कि आज विकास सिंह देवगढ़ के घर पे जो है एनआईए का छापेमारी हुई है लखनऊ में। जी घर पे नहीं, लखनऊ स्थित आवास से जी छापेमारी जी हुई। अपने लखनऊ गांव पे स्थित जो बैठा हुआ आवास। है वो, जी अपने गांव देवगढ़ में बैठा हुआ है अभी। हाँ तो वही उसी मामले में चूंकि आपके खिलाफ वो चुनाव भी लड़े थे और उस समय नहीं, भी चुनाव मेरे खिलाफ ये वो नहीं लड़े थे, चुनाव इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू की पत्नी आरती तिवारी लड़ी थी। अच्छा उनका चुनाव प्रचार इन्हीं बदमाशों को साथ लेकर के कर रहे थे वो। अच्छा जो इनकी लॉरेंस वीडियो बिश्नोई। फुटेज, हाँ इन लॉरेंस बिश्नोई जुड़े हुए लोगों की, इनकी वीडियो फुटेज भी है, इनकी फोटो भी है, और सब प्रशासनिक अधिकारियों को मुहैया भी कराई गई, सबको भेजी की गई है सबके पास। और उस समय कहते हैं मीडिया के लोगों ने चलाया भी था खूब इसको, हाँ और एक एनआईए के छापे से इसकी पुष्टि हो गई। अच्छा यहाँ उनके यहाँ लोग थे, आए थे। और एक ये भी जानकारी है कि चुनाव के दौरान ये भी कई रिपोर्ट्स में है कि आपको मतलब अभय सिंह पे हमला करने के लिए भी इन्होंने विकास सिंह ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बुलाया था हाँ किया भी अयोध्या। था हमला, तो किया भी था तो बच ही गए थे हम। अच्छा हमला तो इन लोगों ने किया था, मैं तो बच गया किसी तरीके से, प्रभु तो श्री राम की कृपा से मैं बच गया था। और मोहाली ब्लास्ट के मुख्य आरोपी दीपक रंगा को भी पनाह देने का आरोप लग रहा है सर। हाँ, तो मोहाली ब्लास्ट जिस लड़के ने किया था, यहाँ जी जाके आरपीजी अटैक किया था, दिव्यांशु, जी वो तो जी इन्होंने ही उसको प्रोवाइड कराया था, इन्होंने ही भेजा था। अच्छा हाँ वो तो इन्हीं का आदमी, इन्हीं के साथ घूमता टहलता था। इनके साथ उसकी फोटोज भी हैं, वीडियोस भी हैं, जो कि मैंने अपलोड कराई थी उस समय सबको। तो अभी इधर इनका किस तरह का होता है क्योंकि एनआईए पहले भी इनके लिए वहां पे पूरा डेरा डाले हुई थी लेकिन तब नहीं मिले थे तो नहीं, पहले पूरा। हमको लगता जी नहीं था डेरा डाली थी इसके लिए। अच्छा एनआईए को हो सकता है, एनआईए ने किसी को पकड़ा हो, उससे बातचीत में आया हो, तब इनके यहाँ छापामारी हो। विकास सिंह देवगढ़ को लेकर सर आप उनके बारे में क्या किस तरह का वो रखते हैं कि किस तरह के इंसान थे और किस तरह के उनके लिंक थे कौन विकास सिंह देवगढ़। विकास सिंह देवगढ़ का जो लिंक है, सब धनंजय सिंह के माध्यम से, वहां पे अच्छा पंजाब में, पंजाब में। हरियाणा में, राजस्थान में, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में, या जो भी खालिस्तान समर्थक गैंग है, उन सब में धनंजय सिंह के माध्यम से है। अच्छा धनंजय सिंह के जरिए और ये हाँ खालिस्तानी चरमपंथियों से जो इनके संपर्क थे वो हाँ कब से हैं अगर आप कुछ अगर इसके बारे में बताना चाहें तो। अभी इसके बारे में हमें कोई जानकारी तो है नहीं। हाँ मैं तो उनके साथ रहते हैं, तो उनके साथ वाले कोई बता सकते हैं कब से हैं, जी लेकिन जब से उनकी फोटोज उनके साथ आई तभी से माना जाना चाहिए कि हाँ उसके तो 4-6 महीना पहले से यहाँ गोपनीय रहे हो, तो एनआईए की जांच में ही आएगा ना। अयोध्या में जिस तरीके से जब जब आपके साथ जिस तरह से आप पे को मरवाने के लिए या जिस तरह की साजिशें उन्होंने रची थी उस समय आपने क्या प्रशासन से या राज्य स्तर पे कोई चीजें मुहैया कराई थी उनको लेकर कुछ चीजें। मैंने सबको एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया। हमला होने के पहले मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, मुझ पर हमला होने जा रहा, बाहरी बदमाश आए हुए हैं, और स्पेशली अच्छा मैंने उस पर लिखा था कि पंजाब और बिहार और हरियाणा का अपराधी है, मैंने उस पर लिखा था। तो उस समय इस मामले की कोई जांच नहीं हुई थी। अब हमें तो कोई जानकारी नहीं, अपनी चुपचाप अच्छा वो अपनी जांच करके कोई रख नहीं दिया जैसे हो, आपने आता लगता एप्लीकेशन दिया हो तो आपको बताया गया हो कि हम जांच कर रहे हैं ऐसा नहीं, कुछ। किसी ने हमको आज तक कोई जांच के बारे में नहीं बताया। अच्छा और जो आपका जो इनके साथ किस तरह का विकास सिंह के साथ क्या पहले से कोई इस तरह की दिक्कत थी नहीं, या। हमारी जी हमारी माता जी ब्लॉक प्रमुख ही लड़ रही थी, अच्छा उसने अपनी पत्नी लड़ाया, उसको प्रस्तावक समर्थक ही नहीं मिला, पर्चा उसका खारिज हो गया प्रस्तावक समर्थक के अभाव में, तब से अच्छा विरोध अच्छा मानने लगा। अच्छा उसी सीट से उसके बाद, हाँ उसी सीट, उसके गोसाईगंज। बाद हाँ नहीं गोसाईगंज नहीं, ब्लॉक प्रमुखी अच्छा पूरा ब्लॉक चुनाव था, दो प्रमुखी के हजार लिए छह आपकी में माता जी लड़ी। हाँ अच्छा दो अच्छा हजार छह में उसके बाद फिर क्या कहते हैं, 2010 में हमारे साथ रहते हैं शंभूनाथ सिंह दीपू, उनके खिलाफ ये लड़ा चुनाव जिला पंचायत सदस्य का, उसमें 3,000 वोट से हार गया। अच्छा उसके बाद से ही आपसे रंजिश लेने लगे। उसके तो प्रमुखी चुनाव आ चुकी है, हमारे साथ रहते हैं रमाकांत यादव, तो अच्छा वो हार गया, तो उनको लगा, उसने क्या कहते हैं, उसके भाई गोली मार दिया विकास सिंह ने। सर एक चीज और है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े अपराधी इनके पास आश्रय लिए थे ऐसी जानकारी आई थी 6 महीना पहले एनआईए काफी दिन फैजाबाद में डेरा भी डाले रही। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। हमें जानकारी नहीं है कब एनआईए आई कब एनआईए गई। अच्छा लेकिन ये आपको जानकारी है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े अपराधी इनके पास आश्रय लिए थे। अच्छा हाँ, ये क्या कहते हैं, चर्चा होती थी। चर्चा में ये बताया जाता था। हाँ ये जगह जगह घूम घूम के कहते थे कि हमारे पास इतने बड़े बड़े लोग हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं की है। अच्छा
तो ये जो टशन था, और फिलहाल ये जानकारी मिल रही कि शायद उनकी माताजी का निधन हुआ है और वो अपने गांव पे ही शायद इस समय मौजूद है। हाँ मौजूद है, मौजूद है। अच्छा लखनऊ में नहीं है वो? नहीं, अब ये ढूंढ ही रही है, गांव पे कोई आ ही नहीं रहा है। तो अभी आपके बारे में, आपको मतलब इनको लेकर यही जानकारी है? हाँ ठीक ठीक ठीक।